एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज बुलेटिन की शुरुआत बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की सेहत पर अपडेट के साथ। बड़ी खबर दिल्ली एम्स से आ रही है इस वक्त, जहां उन्हें रात को एम्स के कार्डियो न्यूरो सेंटर में भर्ती करवाया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एम्स के डॉक्टरों की टीम बनाई गई है जो उनका इलाज करेंगे। उन्हें कल रांची के रिम्स अस्पताल से दिल्ली एयर एम्बुलेंस से लाया गया। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उनके फेफड़े में पानी भरने की बात भी सामने आ रही है। रिम्स में डॉक्टरों ने लालू यादव को निमोनिया होने की पुष्टि की है। दिल्ली एम्स में भर्ती हुए लालू यादव, लालू की हालत देखकर रो पड़ी राबड़ी। शनिवार रात एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लाया गया। लालू को किडनी और फेफड़ों में तकलीफ। बिहार की सियासत के कद्दावर नेता, दो बार के मुख्यमंत्री और चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू यादव दिल्ली लाए गए हैं। तबीयत बिगड़ने के बाद शुक्रवार रात उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। सूत्रों की माने तो उन्हें एम्स के कार्डियो न्यूरो सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उनके इलाज के लिए एम्स के डॉक्टरों की टीम तैयार की गई है। ये तस्वीरें रांची के रिम्स की हैं। जब रिम्स के डॉक्टरों की टीम के एम्स भेजने के फैसले के बाद उन्हें दिल्ली भेजने की तैयारी शुरू हुई। रिश्तेदारों और पार्टी नेताओं की भारी भीड़ के बीच उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजा गया। शुक्रवार को अपने पिता से मुलाकात के बाद उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने कहा था कि उनके पिता की तबीयत बेहद खराब है। सांस लेने में जो है उनको कठिनाई आ रही है, दम फूल रहा है। आप सब लोग जान रहे हैं कि लालू जी का हार्ट का ऑपरेशन पहले हो चुका था। सबसे बड़ी जो समस्या आ रही थी वो शुगर को लेकर के, और किडनी जो है मात्र जो है 25% ही जो है वो काम कर रही है। और साथ ही साथ कल रात में उनको जो है डिटेक्ट हुआ था कि उनको निमोनिया है, और पूरे चेहरे पे भी जो है सूजन जो है वो आप लोगों ने भी देखा होगा। तेजस्वी यादव के मुताबिक लालू यादव को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उनके फेफड़े में पानी भर रहा है, जांच में निमोनिया की पुष्टि भी हुई है, किडनी 25% ही काम कर रही है। लालू यादव 75 साल की उम्र पार कर चुके हैं और उनकी बीमारी के बीच चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि रिम्स के डॉक्टरों ने कहा कि उनकी हालत स्थिर है। सर, पिछले दो दिनों में क्या उनकी स्थिति स्थिर जो बताई जा रही है बिगड़ी है? सर थोड़ा सा आइए ना, वो नहीं बिगड़ी। चारा घोटाले में जेल भेजे जाने के बाद लालू यादव रांची के रिम्स में करीब 25 साल से अपना इलाज करवा रहे थे। 23 दिसंबर 2017 को उन्हें जेल की सजा हुई थी, लेकिन सजा के दौरान ही उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें जेल से 6 सितंबर 2018 को रांची के रिम्स में शिफ्ट किया गया था। तब से लगातार रिम्स में उनका इलाज चल रहा था। गुरुवार को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। लालू की तबीयत बिगड़ने के बाद से पार्टी और परिवार के लोग लगातार उनसे मिलने रांची के रिम्स अस्पताल पहुंच रहे थे। शुक्रवार दोपहर लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती पिता से मिलने रांची पहुंची थी। शाम को पत्नी रावड़ी देवी दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के साथ मिलने पहुंची। लालू की तबीयत देखकर राबड़ी रो पड़ी थी। लालू यादव 75 साल की उम्र पार कर चुके हैं। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी बीमारी गंभीर नहीं है, लेकिन उनकी उम्र ने परिवार और पार्टी की चिंता बढ़ा दी है।